गवर्नमेंट सत्ता पे आया है, एक के बाद एक काले कानून लेकर आ रहे हैं। आज हम एसयू से कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लगातार सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट ले रहे हैं। आज गुलबर्गा में हम 500-600 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि ये जो महंगाइयाँ बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, ये जो करप्शन ज़्यादा हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार 15 डेज से पहले हम लोग सभी स्लम्स को, सभी लोकेलिटी को जाके लोगों को ये हम लोग बताए कि ये जो महंगाइयाँ बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल एलपीजी का रेट ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ के घर में बैठे उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहे, करप्शन के दौरान जॉब सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको विरोध करते हुए आज हम विधानसभा के सामने इकट्ठा हुए हैं। अगर ये लोग जल्द से जल्द ये जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है उन लोगों को नहीं पकड़े, उन लोगों को पनिशमेंट नहीं दिए, तो और ये जो महंगाइयाँ इसको कम नहीं करे, जो ये गैस सिलेंडर का रेट है इसको कम नहीं करे, तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। इससे बड़ा प्रोटेस्ट करते बोल के हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से स्नेहा कट्टीमल। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे पार्टी एसयूसीआई सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो गरीब लोगों, मजदूर और किसान लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है, जिनाइन प्रॉब्लम्स, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऐसे निजी समस्याओं के खिलाफ हमारे पार्टी पूरे देश भर में लोगों के तरफ से आवाज़ उठा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जो मिसलीडिंग है, मिसरूलिंग है, उसके खिलाफ लोगों का आंदोलनों को दर्ज करने के लिए हमारे पार्टी खड़ा होकर लोगों का मुद्दा सामने ला रही है। आप जानते हैं कोरोना के बाद में जो तकलीफ है लोगों उठा रहे हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट बात करने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। हालांकि हिंदू मुसलमान झगड़ा लगा रहे हैं और जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको लाकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हमारी पार्टी पूरे जिम्मेदारी के साथ ये आवाज़ उठा के ये मुद्दा सामने लाने की कोशिश कर रहे। लोगों को चाहिए साफ पानी, एजुकेशन, जॉब, और किसान मजदूरों को अपना जीवन सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी चाहिए। ये चीज़ों को लेकर हम लोग आवाम के साथ ये जन आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं। ये सिर्फ आज का दिन शुरुआत नहीं है, ये आंदोलन आगे जाएगा। पूरा देश भर में लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक सही मायने में जन आंदोलन करने के लिए लोगों को इंस्पायर करेंगे। जहाँ कहीं भी ये रूढ़िवादी सत्तावादी पार्टियाँ, ऐसे जो पूंजीपति लोग हैं उनके साथ में जो ब्रोकर के जैसे काम कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए ये आंदोलन ज़रूरी है। और इस संदर्भ में मैं यही ये बात भी कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इलेक्शन से या सत्ता बदलने से लोगों का समस्या हल नहीं होती, लोगों का समस्या जन आंदोलन से ही हल हो सकती है। इसलिए लोगों को भी हम लोग ऐसे तैयार कर रहे हैं कि जो समस्याएं ये पूंजीपति वर्ग से आ रहे हैं, अब अदानी अंदानी ऐसे जो श्रीमंत अमीर लोग हैं, उनका जो बोलने के हिसाब से गवर्नमेंट सत्ता चला रही है, उसको रोकने के लिए ये आंदोलन को खड़े कर रहे हैं। ये जो आंदोलन शुरुआत है गुलबर्गा में हेडक्वार्टर में कर रहे हैं, हमारे पार्टी से कर्नाटक के हर जिला केंद्र में ये आंदोलन हुआ है। गुलबर्गा में भी आज बड़े पैमाने पे ये मूवमेंट चल रहा है। इसका आवाज़ जिनको पहुंचना है आज पहुंच के हम लोग ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। लोगों का जो भी है निजी मामला है, जो गरीब किसान मजदूर उनका हक के लिए ये लड़ाई है, लड़ाई आज नहीं तो कल जीतेंगे, ये कहकर मैं मेरा बात को ख़त्म करूँगा। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से महेश एसबी। Come on.
क्या भूले क्या कोई।